Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो रिश्ता मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ये जो खातून है हमारी बहन जिनका रिश्ता मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी उम्र है 36 साल, 36 ईयर्स। इनका नाम है सानिया बीबी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये जो सानिया बीबी हैं, 36 साल उम्र है, ये एक तलाक याफ्ता लड़की है, तलाक याफ्ता खातून है। इनकी तलाक अभी जो है तकरीबन 1.5 साल पहले हुई है। अच्छे घराने से हैं, पढ़ी लिखी हैं, इन्होंने जो है एम फिल तक पढ़ा, यानी कि एम फिल इनकी तालीम है। इसके अलावा जो है खूबसूरत हैं, स्लिम है। इनकी हाइट जो है वो 4 फुट और 10 इंच है। और जो है इस वक्त ये एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती हैं। अच्छे खानदान से हैं, पढ़ी लिखी हैं, अच्छा खासा कमा लेती हैं। तो इनकी जो है तलाक जो है वो हो गई है। तो इनकी जो है एक बेटी भी है और वो बेटी इनके साथ ही रहती है। और इस वक्त ये जो है सानिया बीबी जो है ये अपने वालदैन के साथ रावलपिंडी शहर में रहती हैं, रावलपिंडी सिटी में जो है ये अब रहती हैं। तो इनकी जो कास्ट है ये राणा फैमिली से है, बरादरी कास्ट है जो, यानी कि जात बरादरी यानी कि वो राणा है। तो इनके जो वाले साहब हैं मोहम्मद नूरुल हक साहब, वो ये चाहते हैं कि अपनी बेटी की वो दोबारा से शादी कर दें। तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जिनकी उम्र 45 साल हो या इससे कम हो, और वो चाहते हों पहली या दूसरी शादी करना। इसके अलावा जो है मर्द जो है लड़का जो है उसकी तालीम कम अज़ कम जो है मैट्रिक लाजमी होनी चाहिए। वो पाकिस्तान या बैरून मुल्क कहीं भी जॉब वगैरह के सिलसिले में रहता हो, अच्छे खानदान से हो, जात बरादरी कोई भी हो, वो इनसे राबता कर सकते हैं। तो वो हमारे दोस्त जो इनसे रब्ता करना चाहते हैं, वो बराए मेहरबानी अपना मोबाइल नंबर, अपने शहर का नाम और अपनी एज, ये तीन चीज़ें वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे और इस फैमिली से हम आपको मिलवा देंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता आपके लिए ज़रूर खुशियाँ लेकर आएगा। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।